Tejasvi Prakash's Marathi debut film Mankasturi Re has finally been released. The actress attended a special screening of the film with her parents on Friday. Sharing experience on working on the Marathi film, Tejasvi said she is extremely happy with the way the film has turned out. बहुत अच्छा था. आई एम वेरी हैप्पी. फिल्म एडिट होके मैं देख नहीं पाई थी क्योंकि मेरा दूसरा काम है, मैं बहुत बिजी थी. तो आज पहली बार मैं खुद भी फिल्म देख रही हूँ और मेरे लिए जिस तरह से मैं खुद को देख पा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छा फिल्म एंड एज अ थर्ड पर्सन ऑल्सो आई ऑनेस्टली लाइक द एंटायर प्रोजेक्ट. Like the entire end result and the complete ensemble of the film. तो सिर्फ मेरा कैरेक्टर तो ऑब्वियसली मेरे को सबसे ज़्यादा वही पसंद होगा, पर the entire film is amazing. मैं बहुत खुश हूँ. Asked what was her reaction when she first read the script of Man Kasturi Re, she stated, मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि मुझे करना है बिकॉज ये एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था. जिस तरह से मैंने अपने शोज़ में कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है वो उसके कंपैरिजन में बहुत अलग था और बहुत चैलेंजिंग टू स्टार्ट टू बिगिन विद इस, क्योंकि मराठी में था और मैं इतने वक्त के बाद जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हूँ उतनी मराठी में नहीं हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत अलग और चैलेंजिंग था. तो और मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं तो आई जस्ट टुक इट अप. Asked how challenging it was to play a full-fledged Marathi role, Tejasvi said, obviously raha hai hi, but preparation humne ki thi, humne workshops kiye the aur wo mujhe lagta hai ki bahut helpful rahe hai. Also is film mein language itni zyada kehte na ki theth Marathi nahi thi, bahut jaise jis tarah ki Marathi mein ghar pe baat karti hu wahi thi. तो इसीलिए वो एक साइड ऑफ द फिल्म आल्सो मुझे बहुत हेल्प किया. सेवरल सेलिब्रिटीज फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग तेजस्वी बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा एंड एक्टर जॉनी लिवर अटेंडेड द फिल्म स्क्रीनिंग.